हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की नमकीन। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ली है कढ़ाई, इसमें 1 चम्मच भर के डाला देसी घी, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कटोरी से ज़्यादा मखाने। इसको हम भून लेंगे। देखिए इस तरीके से हम चला के इसे थोड़ी देर भून लेते हैं, और अब एक चेक करते हैं। अगर ये बिल्कुल टूट जाएगा तो बिल्कुल तैयार है। तो ये टूट गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मेरे बिल्कुल क्रिस्पी से बन के तैयार हो गए हैं, मखाने रेडी हैं। अब मैं फिर से इसमें डाल लूँ थोड़ा सा घी, और साथ में मैं इसमें भून लूँगी थोड़े से काजू। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल के इसके अंदर भून सकते हैं। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमें इन्हें करना है। तो बस ये हो गए, इसको भी हम निकाल लेते हैं मखानों के साथ में। और इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था, जो रह गया है कोई बात नहीं, इसी के अंदर हम डाल लेंगे अपने थोड़े से बादाम। इनकी कोई क्वांटिटी का नाप नहीं है, आप अपने हिसाब से जितने आपके पास हो या जितना आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये भी मेरे भुन गए, और मैंने इनको भी अपने बादाम और काजू के साथ में निकाल लिया। अब उसी कढ़ाई में जो ऑयल था उसके अंदर मैं भून रही हूँ अपनी थोड़ी सी आधी कटोरी मूंगफली। और देखिए ये भी भुन चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बस अब इसके अंदर जो ऑयल बचा है अभी देखते हैं। हाँ, तो इसके अंदर मैं भून लूँगी थोड़ी सी किशमिश। किशमिश से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, खट्टा मीठा सा। तो देखिए बिल्कुल अंगूर की तरह ये फूल गई हैं। अब ये रेडी हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही नमकीन अगर आप बाज़ार से लेंगे तो आपको डबल रेट पे पड़ेगी। और ये देखिए उसमें जो ऑयल बचा था, घी बचा था मेरा, उसमें मैंने थोड़ी सी मींग डाल दी है। इनको हम बिल्कुल स्लो आंच पे भून लिया है, और अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। और अब हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डाल के इनको हम भून लेंगे। इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप कढ़ाई में इसे करेंगे रोस्ट, और ये भून गए हैं। अब इनको हम हाथ से कर लेते हैं क्रश, और इसके अंदर ऐड करेंगे अपने थोड़े से मसाले। तो ये देखिए कड़ी पत्ता क्रश हो चुका है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाला मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मेरे चाट मसाले में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, होममेड मसाला है जिसकी रेसिपी आपको नीचे मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें। तो बस ये हमारी मार्केट वाली हल्दीराम जी की ड्राई फ्रूट्स की नमकीन बन के तैयार है, वो भी बिल्कुल हाफ रेट में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय बाय बाय।